जय श्री राम। आदिपुरुष प्रमोशंस के लिए हम यह अयोध्या आए हैं श्री राम जी का आशीर्वाद लेने। सो आई वॉज रियली फ्राइटेंड टू डू दिस कैरेक्टर। आई कॉल्ड होम आफ्टर 3 days। इफ आई डू सम मिस्टेक एंड इट बी अ with lot of love and respect and fear we did this film। अब बस श्री राम जी की कृपा है। जय श्री राम। मैंने कहा था ना, ये नहीं तो कुछ नहीं। एक बार जोरदार तालियां आदि पुरुष और इस पूरी टीम के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए हम सब के ऊपर। कौन सा सिग्नल? कौन सा दादा? कौन सा सिग्नल? थैंक यू सर। शुभकामनाओं की झड़ी लगने वाली है। कंग्रेचुलेशंस ओम सर। आई विल स्टार्ट विथ यू। मैं आपसे शुरुआत करने वाला हूं। भूषण सर के साथ आखिरी बार वो ताना जी ने कमाल किया था, नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए और फिर आते हैं इस अगली ब्लॉकबस्टर पे। पवन पुत्र हनुमान की जय। सियाराम। सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस पवित्र पावन धरती पर, अयोध्या की धरती पर आज हम सब यहां पे आए हैं। एक एक, एक मैं एक भक्त के नाते आया हूं। आदि पुरुष ये फिल्म जरूर है, बट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की गाथा पर ये हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं सारे अयोध्या वासियों का और मीडिया के भाइयों के तरफ से, पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जहां जहां भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सब का बहुत ही आभारी हूं। और सबके सामने हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि हमें आपका प्यार जरूर चाहिए, पर उसके साथ आपके आशीर्वाद भी चाहिए। आदि पुरुष ये सिर्फ फिल्म नहीं है। फिल्म जरूर है, पर ये सिर्फ फिल्म नहीं है। ये एक एक भक्ति का प्रतीक है। आदि पुरुष हमारे लिए एक मिशन है, हमारे लिए एक पैशन है। हमने ये कोशिश की है, सब लोगों ने मिलकर। हम बस बहुत ही कम लोग यहाँ पे स्टेज पर खड़े, बहुत हमारे अलग जो लोग हैं जब फिल्म में काम कर रहे हैं यहाँ पे और मुंबई में भी है। हम सब की तरफ से हमने कोशिश की है, आप इसे जरूर सहारे। और ट्रेलर अच्छा लगा? टीजर अच्छा लगा कि नहीं? तो बस ऐसे ही प्यार रखिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। भूषण सर, एक सवाल आपके लिए जी। कई सारी पिक्चरों की बात करते हैं, ब्लॉकबस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमोशन है वो भक्ति का है। वो जोश जो अभी हमने यहाँ देखा है वो इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा और ना ही ऐसा इवेंट देखा है। क्या ऐसी चीज थी जो ओम सर की इस विजन को आपने ये बैकिंग दी एंड आप इस फिल्म को सब तक लेके जा रहे हैं? ये मेरे 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 पूज्य फादर श्री गुलशन कुमार जी, उनका डिवोशन को लेके, प्रभु राम को लेके, सब सारे चीज़ों डिवोशन को लेके इतना बड़ी श्रद्धा रही है, वो सब आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। तो वो उनका इनका ड्रीम आज ये पूरा हो रहा है। एंड ये उसी वजह से जब ओम ने मुझे ये फिल्म बताई कि मुझे और कोई फिल्म नहीं बनानी है ताना जी के बाद, मुझे सबसे पहले प्रभु राम जी के ऊपर, रामायण की गाथा के ऊपर फिल्म बनानी है,
तो मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया उनको हाँ बोलते हुए, क्योंकि ये मेरा नहीं मेरे पापा का ड्रीम पूरा हो रहा है एंड उस चीज़ की मुझे बहुत 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 खुशी है। और आई थिंक माई फादर मेरे पापा बहुत आज खुश होंगे देख के कि उनका ड्रीम आज इतने बड़े पैमाने पे फुल हुआ है। थैंक यू ओम, थैंक यू प्रभास कृति फॉर अपना इसमें इस तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के साथ साथ पूरा भारतवर्ष जो है इस समय बहुत गर्व फील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक भावना है, इमोशन है जो सबके सामने जाएगा। और जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं जानकी और राघव से बात करूं, मैं चाहूंगा एक चीज और बताइए, प्रभास सर के साथ जो आपकी वाइब है सर, वो बड़े कमाल की है। मतलब टॉप के प्रोड्यूसर, सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो के हेड और सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार, सर इस जोड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे ज्यादा फिल्में हम प्रभास और अमित साथ में कर रहे हैं, आई थिंक ये हमारी तीसरी फिल्म है, फिर अब चौथी भी हमारी ऑलरेडी हमारी लॉक हो चुकी है एंड मेनी मोर टू कम। तो बाकी आई थिंक प्रभास से आप पूछोगे तो ही विल टेल अस, बट आई तो लव वर्किंग विद हिम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ कृति सैनन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए। जो अभी हमने यहाँ बड़े पर्दे पर देखा बिल्कुल आसान नहीं है, और जिस तरह एक एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश किया है आपने अपनी इस परफॉर्मेंस से, मैं कहूंगा वो भी आसान नहीं है। प्लीज बताइए थोड़ा इसके बारे में, जब शुरुआत हुई थी, जब आपको बताया गया था आप ये हैं, और अब आज जब ये टीजर सबके सामने आया है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले तो नमस्ते सबको, यहाँ पर नमस्ते से काम नहीं चलता है। जय सियाराम, जय सियाराम। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया हमारे लिए इतना वक्त यहाँ पर वेट करने के लिए। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे कि हमसे थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर आने में, गर्मी है, आप सब वेट कर रहे हैं, बट आई होप कि ये ट्रेलर टीज़र देखकर थोड़ा बहुत जो हमने कॉम्पेंसेट किया हो शायद हुआ हो, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नवरात्रों का दिन है, दशहरा पास है, और आदि पुरुष जैसी फिल्म लेकर हम सरयू नदी के पास अयोध्या में आप सबके साथ हैं। और आई थिंक इससे शुभ मौका और इससे शुभ जगह हो नहीं सकती थी इस इवेंट के लिए। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए वेट करने के लिए। जहाँ तक कि ये फिल्म की बात है, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है ऐसी पिक्चर का एक हिस्सा बनने का, ऐसा एक किरदार करने का अपनी लाइफ में। मुझे तो बहुत जल्दी मिल गया है एंड आई रियली वांट टू थैंक भूषण सर, ओम, रियली थैंक यू कि मुझे आपने जानकी के काबिल समझा। बहुत ही आई थिंक मेमोरेबल रोल है ये मेरे लिए, मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे आप बहुत जुड़ जाते हैं, और मुझे याद है कि लास्ट डे जो था मेरा जानकी के साथ, मतलब मैं बहुत इमोशनल थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, एंड बहुत ही एक सपने जैसा एक्सपीरियंस होता है ना, वैसा रहा है ये मेरे लिए। और आई जस्ट होप कि मैं आप लोगों को निराश ना करूँ, आई होप आप मुझे पसंद करे इस किरदार में। ये कहानी जो है हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जानते हैं, इन किरदारों को हम जानते हैं, पूछते हैं, पर मुझे लगता है कि बचपन में मैंने कभी टीवी पर शायद रामायण देखा था, कहानियों में सुना, कभी दादी ने नानी ने सुनाया थोड़ा, लेकिन एक जो विजुअल मेमोरी होती है ना जब हम कुछ देखते हैं पर्दे पर, तो वो हम लोगों को ज़्यादा याद रहती है। तो आई रियली फील कि सब बच्चों को अपनी परिवार के साथ जाकर ये कहानी, ये पिक्चर देखनी चाहिए, ये हमारे इतिहास का बहुत बहुत अहम हिस्सा है, और ये कहानी सबको मालूम होनी चाहिए अगर नहीं है। और जिस तरह ओम जी ने ये कहानी बनाई है और पर्दे पर दिखाई है, मुझे लगता है आप सबको ये बड़े पर्दे पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो प्लीज़ थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, लेकिन अभी ये शुरुआत है तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए, और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कृति, थैंक यू सो मच। एंड नाउ
बात करेंगे राघव से, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रभास सर के लिए। वेलकम सर, वेलकम टू अयोध्या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इट्स सो गुड टू बी इन दिस, यू नो ये प्रेजेंस ही काफी है। यू नो यू प्लेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, उनको एस किया है आपने, लेकिन राघव एक किरदार नहीं है, इट्स एन इमोशन। हाउ वाज इट प्लेइंग राघव सर, प्लीज शेयर विथ ऑल ऑफ अस। जय श्री राम। आदिपुरुष प्रमोशंस के लिए हम यह अयोध्या आए हैं श्री राम जी का आशीर्वाद लेने। सो आई वॉज रियली फ्राइटेंड टू डू दिस कैरेक्टर, आई कॉल्ड होम आफ्टर 3 days। इफ आई डू सम मिस्टेक एंड इट विल बी अ okay, with lot of love and respect and fear we did this film. ab bas Shri Ram ji ki kripa hai. Jai Shri Ram. Dhanyawad sir, dhanyawad Prabhat sir. Main aa raha hu, jald aa raha hu, of course ye goonjega. Hum sab chahte the, Om sir main batana chahta hu, jitni baar teaser chal raha tha bas ye lag raha tha थोड़ा सा और आगे का इस बार चल जाए, इसीलिए तो टीजर कहते हैं ना, इसीलिए टीजर कहते हैं ना। जी बिल्कुल, थोड़ा दिखा दिया, थोड़ा रोक दिया जी, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, फिर बाद में देखो। नहीं सर, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हैं, मुझे पता है। ये सिर्फ यहाँ अयोध्या नगरी तक सीमित नहीं है, इसके बाद एक और बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें, बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अरे ये सब बोलने का नहीं है स्टेज के सामने। चलो आपने बोला है तो बोल ही देते हैं। हम दशहरे के दिन रामलीला मैदान में दिल्ली में रहेंगे, जहां पे रावण दहन होता है, वहां पे प्रभास जी रहने वाले हैं और वहां पे हम। अरे ऐसा सब बोलने का नहीं रे, वो बाद में आता है, बाद में आता है सर। मैंने कहा ना, आप रुकने वाले नहीं है और हर कोई बस उसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रभास सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू and the last one for you. Please tell us what is that one thing or one quality that you feel jo Raghav se imbibe karni chahiye aapko? Dedication, loyalty, discipline. But yeah, all humans are trying to do for centuries, but we are still humans and he's God. Thank you. थैंक यू सो मच। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदि पुरुष, लेडीज एंड जेंटलमैन, बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत का प्रतीक ये फिल्म जब आएगी तो देखिए क्या होगा, हम सबको बहुत गर्व फील होगा। लेकिन फिलहाल बारी है एक फोटो ऑप की। जी हाँ, मुझे पता है हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ, दे आर वेटिंग फॉर इट, सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद दिस अमेजिंग कास्ट।